हेलो एवरीवन दिस इज हिमांशी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैस्लोज नीड हायर की सो लेट्स गेट स्टार्टेड नीड और डिज़ायर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन मोटिवेशन बिकॉज द इम्प्लॉयज गेट मोटिवेटेड ओनली फॉर देर नीड्स नीड क्या है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मोटिवेशन का क्यों क्योंकि इम्प्लॉयज़ क्या क्यों मोटिवेट होंगे जब उनकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगे तो सी बात है इम्प्लॉयज़ ऑटोमेटिकली अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे है ना तो जो मैस्लो है उन्होंने क्या बताया है एक हायर ऑफ नीड्स बताई है मतलब एक अनुक्रम बताया है कि बढ़ते हुए क्रम में इस तरीके से जो ह्यूमन नीड्स हैं वो इस तरीके से हायर में है कि बेसिकली फाइव नीड्स हैं कि सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स ह्यूमन चाहता है कि सबसे पहले उसकी फिजियोलॉजिकल नीड फुलफ़िल हो देन उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स फुलफ़िल हो देन उसके बाद सोशल नीड्स देन एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स तो ये फाइव नीड्स हैं जो मैस्लो ने अपनी थ्योरी में बताई हैं तो हम एक एक करके सारी नीड्स को पढ़ते हैं सबसे पहली है फिजियोलॉजिकल नीड्स फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं मतलब वो नीड्स जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, लाइक फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग सो ये है फिजियोलॉजिकल नीड्स जो कि कैसे सेटिस्फाइड हो सकती हैं वैन द मोनिटरी इंसेंटिव आर ऑफर्ड बाय द एम्प्लॉयज जब मॉनेटरी इंसेंटिव्स इंप्लाइज को प्रोवाइड करे जाएंगे तभी उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होंगी वो फुलफिल होंगी ठीक है मतलब हम और हम इसको ऐसे भी डिस्कस करेंगे एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली मेन क्या होगी उसकी फिजियोलॉजिकल नीड क्या होगी फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग और अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल्स से देखें तो वो क्या होगी बेसिक सैलरी ठीक है अब सेकेंड नीड जब फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफ़िल हो जाती है तब उसके बाद कौन सी नीड आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स वंस प्रेजेंट डे फिजियोलॉजिकल नीड्स आर फुलफ़िल्ड देन पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दे फ्यूचर एज दे वॉन्ट टू सिक्योर देयर फ्यूचर बाई मेकिंग श्योर दैट इन फ्यूचर ऑल्सो दे कंटिन्यू टू सेटिसफाई दे फिजियोलॉजिकल नीड्स एक बार फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफ़िल होने के बाद इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में एक सिक्योरिटी हो उसको एक जॉब सिक्योरिटी हो कि फ़्यूचर में भी उसके पास एक सिक्योरिटी रहेगी अंडर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देर आर टू कैटेगरीज फिजिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी फ़िजिकल सिक्योरिटी कैसे चाहेगा इंसान विच मीन सेफ्टी फ्राम इलनेस एक्सीडेंट्स ठीक है एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी मतलब बेसिकली रिलेटेड टू फंड्स विच मीन्स हैविंग सफिशिएंट फंड्स टू मीट द फ्यूचर फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड टू कम आउट ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट्स तो बेसिकली फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफ़िल होने के बाद सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड इंसान चाहता है आ, हम इंडिविजुअल के एग्जाम्पल से देखें तो वही सेविंग्स फॉर फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल से देखें तो क्या हो गया प्रोविडेंट फंड पेंशन ठीक है नेक्स्ट आती है सोशल नीड्स सोशल नीड्स इट मीन्स द नीड फॉर लव एफेक्शन कंपेनियनशिप फ्रेंडशिप टू फुलफिल द सोशल नीड्स द मैनेजर्स प्रेफर टीम वर्क अरेंज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गेट टुगेदर सो दैट इम्प्लॉयज कैन डेवलप सोशल रिलेशनशिप्स तो ये तो एक बहुत सिंपल सा है समझ ही आ गया पढ़ने, पढ़ने से ही सोशल नीड्स क्या है कि जब इंसान की फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स फुलफ़िल हो जाती हैं तो उसके बाद इंसान क्या चाहता है कि उसकी जो सोशल नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो उसको क्या चाहिए होता है प्यार अफेक्शन दोस्ती तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं सोशल नीड्स को इम्प्लॉयज़ की फुलफ़िल करने के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स रखते हैं ठीक है टीम वर्क होता है जिससे उनकी जो है वो सोशल सोशल रिलेशनशिप्स भी बिल्ड हो जाएं देन नेक्स्ट आती है एस्टीम नीड्स

वो बेसिकली किस में कॉमन होगा जो हायर लेवल का एम्प्लॉय होगा उसमें कॉमन है ठीक है और वो बेसिकली किससे सेटिस्फाइड होंगे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिवस के बारे में तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा लास्ट नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स मीन दिस नीड रेफर्स टू रियलाइजिंग और रीचिंग टू द एम ऑफ योर लाइफ अब जब ये सारी नीड्स फुलफ़िल हो जाती हैं तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होती है वो नीड कब फुलफ़िल होती है जब इंसान को ऐसा रियलाइज़ होता है दैट यस ही हैज़ अचीव द एम कि उसकी लाइफ का जो भी एम था वो वो अचीव कर चुका है ठीक है वंस द एम्प्लॉय बिकम्स वट ही वॉन्ट्स टू बिकम इट मीन्स सेटिसफेक्शन ऑफ हिज एक्चुअलाइजेशन Needs. मतलब जो एक एम्प्लॉय जो लाइफ में अपनी बनना चाहता था जो वो चाहता था लाइफ में होना वो नीड जब फुलफिल हो जाती है ठीक है अगर हम इंडिविजुअल से देखें तो वही अचीवमेंट ऑफ सेल्फ एस्पिरेशन एंड अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट से देखें तो अचीवमेंट ऑफ गोल तो ये बेसिकली है फाइव नीड्स जो कि मैस्लो ने अपनी हर